मीडिया में मैं देख रहा था एक बाइट, वो कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और अमित शाह जी की बाइट भी देखने को मिली जहां वो कह रहे हैं किसी कीमत पे इनके साथ हम नहीं आएंगे। तो जो देश के भविष्य को संभालना और संवारना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को स्मरण करते हैं, वो प्राण जाए पर वचन न जाए भूल गए। तो ये ऐसे लोगों के हाथ में देश ना जाए ये तय करने का मौका आ गया है। और स्थिर विचार के लोग जो जनहित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, सद्भाव के लिए, संभाव के लिए काम करते रहे हैं और काम करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे, उनको मौका देने का समय आ गया है। मतदाता ही तय करते हैं, अब उनने पहचान भी लिया है और जल्दी ऐसे लोगों से छुटकारा मिले राजनीतिक मंच पे, वही देश के लिए अच्छा है। क्या आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि उन्होंने इंडिया अलायंस को और देश की जनता को धोखा दिया? निश्चित रूप से धोखा दिया, क्योंकि ऐसी बात और पहल करने की जरूरत ही नहीं थी। जो संख्या विधानसभा की दिख रही है, अगर उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बने रहने का था और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का था तो पहले भी कर सकते थे, ये संख्या तो पहले भी थी। इधर आने का मकसद ही था कि वैचारिक रूप से वो भाजपा से सहमति नहीं रख रहे हैं और देश के नागरिकों के लिए एक ऐसा विकल्प देना चाहते हैं जो लोगों के हित में काम करे, कुछ चुनिंदा लोगों के नहीं, जनहित के लिए काम करे। लेकिन लगता है कि स्वयं का हित उनके लिए ज़्यादा सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस का भविष्य कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छा रहेगा। और बिहार से 12-15 सीट उनके पास वर्तमान में हैं, जो मुझे लगता है कि इस बार बिहार के मतदाता ठोस जवाब देंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अवसरवादी गठबंधनों के खिलाफ वो निर्णायक निर्णय मत के माध्यम से देंगे। सर एक आखिरी सवाल, अब अलग अलग जगह वो सीरियस नहीं थी अलायंस को लेकर, नीतीश कुमार जो है खड़गे जी का नाम प्रपोज हुआ 19 दिसंबर की मीटिंग में, लेकिन कांग्रेस ने एक तरीके से छीनने की कोशिश की, स्टील करने की कोशिश की। आप लगता है ये आरोप अब गलत हैं? इस तरीके के आरोप लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? आरोप की बात नहीं है, ये असेसमेंट है अपने अपने। लोग समय समय पर अपनी समीक्षाएं करते हैं, विचार किसी दृष्टिकोण से या सामान्य रूप से प्रस्तुत करते हैं। नीतीश जी की जो पृष्ठभूमि थी, अगर जो हुआ उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं ऐसा लोग मान के चल रहे थे, कौन किसके साथ जुड़ा है, नीतीश के साथ कौन कौन लोग हैं, वो किसके साथ हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर सब जानते हैं कि नीतीश जी के खास सलाहकार कौन हैं। उन परिस्थितियों में विकल्प को ही ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप देना जो दूसरे पक्ष से मिल सकता है, तो स्वाभाविक है कि गठबंधन के बहुत सारे नेताओं ने कहा होगा कि नहीं, सोच के करना है, ऐसे नहीं, और उनकी बात आखिर सही निकली।